हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बना रहे हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में मोहन थाल, और बिल्कुल परफेक्ट स्टाइल में बनाएंगे, बिल्कुल हलवाई जैसा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, इस बोल में मैंने बेसन डाला हुआ है। ये 2 कप बेसन है, और ये 2 कप बेसन बिल्कुल फुल भर के लेना है आपने। कप कोई लेवल लेवलिंग वगैरह नहीं करनी है, जितना आपका मतलब कप में आप भरते हैं चीज़ को तो ऊपर तक आती है, तो वैसे ही लेना है। तो ये 2 कप बेसन है, इसमें 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी है। घी को आप थोड़ी देर किसी बोल में आप गैस में गर्म कर लीजिए और माइक्रोवेव कर लीजिए। और इसमें 3 टेबलस्पून घी है, 3 टेबलस्पून नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध है। ये टेबलस्पून है मेरा, इस टेबलस्पून से मैंने दोनों चीज़। तो अब इसमें मैं इसको हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको चम्मच से ही घुमा लेते हैं थोड़ा बहुत, और इसको हम मिला के, अच्छे से मिला के इसको कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए, हमने ये तो अपना 15 मिनट के लिए साइड कर रखा है, 15 मिनट के लिए से छोड़ देगा। यहाँ हमने बनाई है चाशनी, तो अब हम यहाँ चाशनी बना रहे हैं। चाशनी में हमने डाला है, इसमें हमने डाली है 1/4 कप चीनी और 3/4 कप पानी। तो 3/4 कप पानी में 1/4 कप चीनी डाल के आप थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए। और इसको हमने डेढ़ तार की बनाना है चाशनी, डेढ़ तार की। अगर आपको डेढ़ तार नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक, जब आपकी फुल बन जाए तो उसके बाद आप इसे 30 से 40 सेकंड पानी दोबारा आप गैस में पकने के लिए छोड़ दीजिए, तो डेढ़ तार की चाशनी रेडी हो जाती है। तो चाशनी हमने बनाने के लिए रख दी है, और हम 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट हम इस अपना जो डो है उसको रखा हुआ है, वो तो जो अपना मिक्सचर बनाया है बेसन का। तो चलिए मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो हमने मिक्सचर बनाया था बेसन का, इसको 10 मिनट हो चुके हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, इसने अब अच्छे से घी को और जो हमने दूध डाला था बेसन में उसको अच्छे से इसने पी लिया है। और अब इसको हम अपने हाथों से थोड़ा सा रब करेंगे। तो ये देखिए, रब कर लिया है हमने। अब ये हमने डाला है एक पैन में 1 कप घी, ये मेल्टेड घी है, इसको हमने डाल दिया है और ये मेल्ट हो रहा है अभी। इसको थोड़ी देर हम हल्का गर्म करने के लिए रखेंगे घी को, और तब तक हम इसको जो हमने ये मिक्सचर बनाया है इसकी कंसिस्टेंसी ब्रेड क्रम जैसी हो गई है। और इसको हमें और अच्छी कंसिस्टेंसी के लिए इसको हमें फूड प्रोसेसर में घुमाना पड़ेगा। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप नॉर्मल अपनी कोई सी भी छन्नी ले लीजिए, जिससे आप कोई आटा छानते हैं या फिर कोई अपना आपने थोड़ी जिसमें वैसे मुँह हो। ये देखिए, जैसे ये वाली छन्नी है, इसके दाने जो है वो थोड़े बड़े हैं, इसके जो जाल है आप इससे कर सकते हैं और फूड प्रोसेसर में भी घुमा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से फूड प्रोसेसर में घुमा लिया है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अब जो डबल हमारा जो ब्रेड क्रम होता है उसका जो फाइन कंसिस्टेंसी होती है वैसी हो गई है। दाने और इसके जो हो गए हैं वो और सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए, तो ऐसा ही हमें चाहिए मिक्सचर अपना। अब इसको हम, ये जो हमने घी गर्म किया है इसमें हम इसे डालेंगे। और यहाँ हमारी देखिए चाशनी भी रेडी हो चुकी है, ये डेढ़ तार की चाशनी बन चुकी है। इसको हमने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है, और इसको हम अच्छे से घी में पका लेंगे। इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। ये जो मिठाई है ये बहुत इजीली बन जाती है, और आप इसको 20 से 25 डेज स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। और इसको बनाने के लिए आपको कोई मिल्क पाउडर, कोई मावा वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यू ओनली नीड थोड़ा सा मिल्क एंड सम घी एंड सम बेसन, दैट्स ऑल। इससे आपकी मिठाई बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो कभी अगर आपके पास ये खोया का ऑप्शन ना हो, मिल्क पाउडर का ऑप्शन ना हो, तो प्लीज़ गो फॉर दिस मिठाई। तो चलिए, अब इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए भून लेते हैं, तब तक चेक करते हैं अपनी चाशनी को। ये देखिए, मैंने आपको बोला था डेढ़ तार वाली मुझे चाशनी चाहिए, बिल्कुल डेढ़ वैसी ही बनी है, डेढ़ तार वाली। मेरे को अपनी चाशनी की पहचान इससे होती है कि जब मैं इसे ड्रॉप करती हूँ तो इसकी जो ड्रॉप है वो बहुत, ये देखिए, ये देखिए, उसका आप तार देख रहे होंगे गिरते समय, तो ये पहचान है कि ये चाशनी बिल्कुल रेडी है। तो मेरी चाशनी रेडी है, इसको हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए और भूनेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए, हमको इसको भूनते भूनते 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और ये बिल्कुल लाइट हो गया है, फ्लफ़ी हो गया है। आप खुद देख रहे होंगे
इसमें झाग सा बन रहा है, ये देखिए पास से देखिए आप, ये देखिए इसमें झाग सा बनना शुरू हो गया। इसका मतलब जो है आपका बेसन जो है बिल्कुल तैयार है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अपनी जो हमने चाशनी बनाई थी वो डालेंगे। हमने इलायची पाउडर भी डाला था और चाशनी में ये हमने सारी चाशनी मिला दी है। ये देखिए हमने अपनी चाशनी को इसमें मिला दिया था। अब इसमें हम फटाफट से इसको एक दो सेकंड के लिए इसको भूनेंगे और इस पोजीशन में हम डालेंगे अपना फूड कलर। और ये फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना आप मत डालिए। थोड़ा हल्का सा बिल्कुल हल्का पिंच डालना है, इसका कलर जो है बहुत अच्छा आ जाता है इससे। और हमने इसको डाल दिया, अब इससे हम घुमा लेंगे। ये ऑरेंज रेड फूड कलर है, ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना तो आप मत डालिए। नॉर्मल आप उस जो है हमारा बेसन का कलर उसको भी रख सकते हैं। अब इसको हमने मिला लिया अच्छे से, अब इसको हम पका लेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट और। डालने से हमारा जो मोहन थाल का कलर है वो कितना अच्छा आया है। और इसको हम थोड़ा देर पका के अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दूध। नॉर्मल टेम्परेचर में जो आपका दूध होगा वो आप इसको डाल लीजिए, 1/4 कप दूध, सॉरी 1/2 कप अब इसमें हम दूध डालेंगे। तो ये 1/2 कप दूध चला गया इसमें, इसको अच्छे से दोबारा से भून लेंगे। अब इसको हमें कम से कम 15 मिनट तक भूनना है, तो 15 मिनट तक हम इसे बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको हम भूनते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता। और इसको लगातार चलाते रहें, बिल्कुल आपने इसको छोड़ना नहीं है, अदरवाइज़ ये जो है नीचे बैठ जाएगा। और ये हल्की सी फिर अगर इसमें ये थोड़ा सा भी नीचे बैठ गया तो इसमें वो एक महक रह जाती है जलने की जो हमें नहीं चाहिए। तो देखिए बिल्कुल मूंग दाल हलवे का टेक्सचर लग रहा है ये, तो इसको हम कम से कम 10 मिनट और पका लेते हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपसे 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए हमने इसको 10-15 मिनट तक भून लिया अच्छे से, तो देखिए अब इसमें पूरा पैन छोड़ दिया है और यही हमें चाहिए था। और इसको ये देखिए बिल्कुल फोल्ड होने लग गया है, ऐसा ही हमको इसका टेक्सचर चाहिए। तो अब ये फोल्ड होने लग गया है तो इसको हम थोड़ी देर अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और इसको फिर हम 5 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे गर्म कढ़ाई में। और उसके बाद हम इसको एक थाली में इसको प्लेट करेंगे और उसके ऊपर से फिर नट्स वगैरह डालेंगे। नट्स ऑप्शनल है, आपको नट्स नहीं डालने तो आप नट्स मत डालिए, ऐसे ही इसको सेट करने के लिए रख दीजिए। और इसको सेट वैसे तो 7 से 8 घंटे आप कर सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में, और अगर आपको जल्दी है तो 3 घंटे में सेट हो जाती है आराम से। इसको आप फैन के नीचे रखें देन आप इसको फ्रिज में डाल दीजिए, तो ये आराम से 2-3 घंटे में सेट हो जाती है, तो ये आपके ऊपर है। चलिए फिर इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही अब गैस पर। और अब हम तो अपने नट्स वगैरह रेडी करेंगे और फिर इसको हम खाने में डालेंगे। तो ये देखिए हमारा ये जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है। और हमने यहाँ एक थाली जो है वो अच्छे से ग्रीस कर ली है घी के साथ। और ये हमने कुछ नट्स काट लिए हैं, ये पिस्ता और बादाम है, आप जो मर्जी चाहे इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए हम इसको इस थाली में पलट के और इसको अच्छे से लेवल कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको लेवल कर लिया है और मुझे जितनी ये मिठाई की थिकनेस चाहिए मैंने उसको यहाँ से उतना उसको उतना थाली में से उसको डिवाइड कर दिया है। तो मुझे इसकी मिठाई की थिकनेस जो है वो ऐसी चाहिए, अगर मैं इसको पूरी थाली में डालूँगी तो इसकी जो थिकनेस है वो अच्छी से नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने इसको हाफ इसका इतना हिस्सा थाली का छोड़ दिया है और इसको इसको दबा दिया। तो ये देखिए डन है बिल्कुल। और अब इसको हम डालेंगे फटाफट से अपने नट्स। ये
ये देखिए हमने अपने नट्स डाल दिए और इनको फैला देते हैं अच्छे से, और अब इसको हम अपने स्पैचुला से दबा लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी है, अब इसको हम सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। इसको रूम टेम्परेचर पे सेट करेंगे कम से कम आधा एक घंटा, और देन हम इसको फ्रिज में डाल देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए, और ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है ये मिठाई, और यहाँ से देख सकते हैं आप। और जब ये अभी सेट हो जाएगी तब ये और दानेदार हो जाएगी, इसके आप दाने देखिए गिन सकते हैं। इसके दाने देखिए आप अच्छे से गिन सकते हैं, दाने आपको दिखाई दे रहे होंगे, और जब ये सेट हो जाएगी और भी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए इसे सेट करते हैं कम से कम 1 घंटे के लिए बाहर रूम टेम्परेचर पे, फैन के नीचे कर लीजिए आप, और उसके बाद 2 घंटे हम इसे फ्रिज में सेट कर लेंगे। तो चलिए फिर इसे करते हैं सेट, और मिलते हैं आपसे 2 से 3 घंटे बाद। तो ये देखिए हमारी जो मोहन थाल है वो बिल्कुल सेट हो गई है। ये देखिए मैंने उसके कुछ पीस भी निकाले हैं, और हम और भी पीस निकाल लेते हैं इसके, और बहुत ईजीली निकल जा रहे हैं पीस। आप किसी भी चाकू से इसके एजेस जो हैं वो सील फ्रीज वो कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। ये देखिए आप इसकी देखिए लेयर देख सकते हैं साइड से कितनी दानेदार, ये देखिए, और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो ये देखिए हमारी मोहन थाल बिल्कुल रेडी है, आप इसका एक एक दाना देख सकते हैं मिठाई का, ये देखिए बिल्कुल दानेदार और बहुत ही टेस्टी खाने में। और मैंने जितना शुगर डाला है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग डाला है, आप इसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो मेरे लिए तो परफेक्ट है। और बनाइए इसको, और इसकी जो ऐसी कंसिस्टेंसी अगर आपकी मिठाई की है तो आपकी मिठाई जो है परफेक्ट है। तो इन्जॉय कीजिए इस ईजी सुपर फास्ट रेसिपी को, और बनाकर मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इन्जॉय कीजिए ये आलीशान मिठाई। बिल्कुल आपको मिठाई की दुकान की याद आ जाएगी इस मिठाई को खा के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।